उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पालतू कुतिया ट्विंकल की हत्या के मामले में अभियोग दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पीड़ित पिछले कई दिनों से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा था। मेनका गांधी से शिकायत किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। ट्विंकल की हत्या में नामजद 3 और 8 से 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 429 के तहत मुकदमा किया दर्ज। पालतू ट्विंकल की कुछ दिन पहले एक बोरे में बंद कर जंगल में ले जाकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। ये घटना थाना जगदीशपुरा इलाके की बताई गई है। इस संबंध में अब जाकर अभियोग दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पालतू कुतिया ट्विंकल की हत्या के मामले में अभियोग दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पीड़ित पिछले कई दिनों से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा था। मेनका गांधी से शिकायत किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। ट्विंकल की हत्या में नामजद 3 और 8 से 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 429 के तहत मुकदमा किया दर्ज। पालतू ट्विंकल की कुछ दिन पहले एक बोरे में बंद कर जंगल में ले जाकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। ये घटना थाना जगदीशपुरा इलाके की बताई गई है। इस संबंध में अब जाकर अभियोग दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ थाना दक्षिण टोला अंतर्गत भटकुआं पट्टी हमीदपुरा चट्टी के पास आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मोबाइल टावर के पास खेत में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला। मऊ दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला हमीदपुरा पट्टी के पास खेत में मोबाइल टावर के करीब सोमवार सुबह कुछ लोगों ने एक युवक को खून से लथपथ अवस्था में देखा तो अवाक रह गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर वहां भारी भीड़ जमा हो गई और दक्षिण टोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब देखा गया तो लहूलुहान शख्स मृत मिला। उसकी पहचान 30 वर्षीय शकील अहमद पुत्र उमर फारूक आजमी के रूप में हुई। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके सर पर ईंट पत्थरों से प्रहार कर उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की हत्या क्यों, किसने, कब की, इसका खुलासा जांच पड़ताल के बाद ही हो पाएगा। युवक उमर फारूक जो शकील का लड़का है, ये साड़ी फोल्ड करने का काम करता है। आज सुबह जब लोगों ने यहाँ देखा तो मौके पर सर में उसके चोट लगी थी और मर चुका था। उसकी मोटरसाइकिल बगल में पड़ी हुई है। फिलहाल इनकी सर में पीस करके हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और साथियों को एकत्रित किया गया। लाश को पोस्टमार्टम फिर भेजा जा रहा है। घर वालों अभी तक तो कुछ अज्ञात नहीं है। घर वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई चल रही है। हमारी तहकीकात जारी है और हम बहुत जल्दी इसको एक घटना का नामकरण करने में सक्षम होंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। पहली दृष्टिया क्या लग रहा है सर? अब चूँकि अभी प्रोसीडिंग जारी है और प्रथम दृष्टिया हत्या का मामला है, किसी निविश्वास से बुलाया है और न इसी अनजान जगह, तो किसी अपरिचित के साथ आदमी जाता नहीं है। किसी न किसी विश्वास की वजह से बुलाया गया। अब देखते हैं क्या निकल करके आता है।